मीरपुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन तेजस गांव अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो, प्रणाम माँ। जीते रहो माँ, तुम दादी बनने वाली हो। है? अरे वाह, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुंची तो बेटे बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी चाय। अरे गर्मा गर्म पकौड़े ले आओ माँ के लिए। नीरू रसोई में गई और दो मिनट में ही पकौड़े ले आई। जी ये लीजिए। बहू, जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। यम्मी। माँ जी, शीला रसोई में पकौड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन। माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं, मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती। तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की? वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी। पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद। हाँ। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ, शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे। मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी, आजकल महंगाई बहुत है, रहन सहन भी बदल गया है, दोनों नौकरी करते हैं तभी ठीक रहता है। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है, मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता? तू ही इस घर का खर्च चला रही है, हैं? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ। अब तो ये रोज का काम हो गया था। तेजस भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नीरू, वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से ही छुट्टी ले लो। पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नीरू ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा हुआ तो घर में सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में खत्म हो गई है नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो। मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन। बेटा, मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना। पर्चा देते हुए माँ जी ने कहा। जी। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना है। तेजस गुस्से में लिस्ट मरोड़ कर फेंकता है और चिल्लाता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना, वो ले आना। अरे, पर ये जरूरत का सामान ही है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। अरे अरे, लंच तो ले जाइए। नीरू दौड़ कर डिब्बा पकड़ाती है।
एक दिन खाना खाने के बाद, नीरू, अब तो मुन्ना कुछ बड़ा हो गया, तो अब तुम वापस ज्वाइन कर लो ना जॉब। पर इस रिसेशन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। ट्राई तो करो। फिर मुन्ना? माजी है ना, और एक फुल टाइम मेड भी लगा लेंगे। पर माजी, उन्हें तो पसंद नहीं। तभी माजी वहां आ जाती है और प्यार से नीरू के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, अब मेरी समझ में आ गया बहू, पहले के और अब के समय में अंतर है। तुम काम शुरू करो, मुन्ना की जिम्मेदारी मेरी। मेरी प्यारी मांझी। ये कहकर नीरू उनके गले लग गई। शिक्षा, परिवर्तन संसार का नियम है, हमें भी समय के साथ चलना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।